लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। एक हालिया बयान में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मेघालय और न्यूजीलैंड के बीच जनसंख्या और आर्थिक मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण अंतर की ओर ध्यान आकर्षित किया। मामले पर बोलते हुए संगमा ने कहा, न्यूजीलैंड की आबादी 52 लाख है जबकि मेघालय की आबादी 38 लाख है। इस दौरान मेघालय की अर्थव्यवस्था $5 अरब यानी कि करीब 40,000 करोड़ रुपए जबकि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था करीब 300 अरब डॉलर है, हमेशा 20 गुना ज्यादा मेघालय से। असमानताओं पर प्रकाश डालते हुए संगमा ने मानव पूंजी में निवेश की महत्व को रेखांकित किया और न्यूजीलैंड को एक विकसित देश का उदाहरण बताया जिसने शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में पर्याप्त विनिवेश किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, एक राज्य के रूप में मेघालय शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसमें सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री की टिप्पणियां न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों की सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए मेघालय में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में शिक्षा पर रणनीतिक फोकस पर प्रकाश डालती है। शिक्षा के प्रति इस प्रतिबद्धता को राज्य में आर्थिक अंतर को पाटने और व्यापक प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।